बहुत अच्छा लगा। मैंने YouTube में इनका वीडियो देखा था, तो YouTube में इनका वीडियो देखने के बाद ही मैं ढूंढते ढूंढते आई हूँ ये जगह। तो मेरा जो बाल था ना बहुत ही ज़्यादा पतला था, मतलब बिल्कुल भी, मतलब क्या बोले, ऐसा अजीब सा ही दिखता था। मुझे हमेशा कोई ना कोई ड्रायर वगैरह कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे इस हेयर कट के बाद बिना कुछ यूज़ किए ही मुझे मेरे बालों से प्यार आ रहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अब तो मैं यहीं पे आऊँगी हमेशा से, परमानेंट कस्टमर यहाँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं आपको थैंक यू, इतना अच्छा मेरा बाल आप बना दिए, आई एम जस्ट लविंग इट। थैंक यू वेरी मच। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखोगे कि पतले बालों पे कैसे आप वॉल्यूम दे सकते हो और लेयर कैसे देना है। अब मैं सेक्शन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फोर पार्टिंग दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतले हेयर हैं। और अब ये सेकंड सेक्शन कर लिया मैंने। बहुत ही इजी हेयर कट है। सबसे पहले मुझे गाइडलाइन लेना है, क्योंकि मैं नीचे से कट भी नहीं कर रही हूँ, बहुत कम हेयर काटना है। अब वो नीचे से थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन लेकर मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है। हेयर कट करते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फेस के अकॉर्डिंग ही हमें हेयर कट करना चाहिए। ये देखिए, ये जो पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक से अभी रीचेकिंग कर रही हूँ फिर से। काफी हद तक वॉल्यूम लाने की कोशिश कर रही हूं। अगर हेयर को ज्यादा कट किया होता तो वॉल्यूम बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन क्लाइंट का कहना है कि बिल्कुल भी हेयर का लेंथ कट नहीं होना चाहिए, तो हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है।
अब सारे क्राउन एरिया के मैंने हेयर ऊपर लेकर उसे कट किया है। ये देखिए वॉल्यूम आ गया है। हेयर इनके मतलब सॉफ्ट है, अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थीन है। अभी क्राउन एरिया को लेना है, उसके बाद सिंपली हमें बालों को 90 डिग्री पे लेके जाना है और उसे इक्वल कट कर देना है। और इसे अभी नोचिंग किया मैंने। नोचिंग से क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। ये देखिए अभी ये फ्रंट साइड को मैंने चीन एरिया तक नाप के कट किया है और अभी ये फ्रंट साइड की लेयर कट किया मैंने दोनों। हाँ ये भी देखिए, ये भी इसको भी लेयर पतला पतला लेयर को पतले पतले सेक्शन को लेके मैं जितना कोशिश कर रही हूँ इसे भी कट किया मैंने। अब सेकंड, अब ये वाले साइड के इसे भी थोड़ा कट कर रही हूँ लेयर के लिए। अगर आपको ये हेयर कट मेरा सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कट बहुत ही इजी है, इस कट को देखकर कोई भी आराम से सीख सकता है। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हेयर कट है ये। क्लाइंट के कहने के मुताबिक मुझे बालों में वॉल्यूम भी आना चाहिए और बालों का लेंथ भी बहुत कम कट करना है और उसके बाद में उन्हें हेयर ड्रायर भी नहीं करना है। तो देखिए, एंड तक देखिए मेरा वीडियो, ये कैसा लगता है। बहुत इजी तरीके से मैंने किया है। जितना हो सके मैं लेयर लाने की कोशिश कर रही हूँ, वॉल्यूम भी देना है। बस अब रीचेकिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ एक्सेस में मुझे जहाँ जहाँ हेयर दिख रहे हैं इक्वल करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्स्ट्रा हेयर को कट कर रही हूँ और अभी नीचे से थोड़ा शेप में लाने के लिए हेयर कट को थोड़ा कट दे रही हूँ, कट कर रही हूँ। ये हेयर कट कंप्लीट हुआ है और इसका बाउंस आप देख सकते हो कि कैसे हेयर में बाउंस आया है और किस तरह से लेयर आई है बिना हेयर ड्रायर यूज़ किए हुए। ये कट आपको कैसे लगा? तो ये था मेरा आज का हेयर कट। कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। तुम्हें मेरा जो हेयर कट है बहुत अच्छा